मॉर्निंग गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला का प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। और सबका स्वागत है एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं 9 बजने वाला है और सारा काम वगैरह हो गया है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी ना आज है मेरा फ्राइडे का फास्ट। तो पहले बहुत करती थी, फिर बिना उद्यापन के छोड़ दिया। तो फिर उस बीच मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने लगा, तो मैंने आज से फिर से स्टार्ट कर दिए अपने फ्राइडे के फास्ट, यानी कि संतोषी माता के। तो फ्राइडे में भी दो होते हैं ना, लक्ष्मी माता और संतोषी माता। तो मैं करती हूँ संतोषी माता के व्रत। और आज मैं क्लास नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज डीकी है वैक्सीनेशन, तो उसकी वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तो अगर दूध नहीं आया था तो दूध नहीं, अब उसके लिए दूध नहीं पिला सकती हूँ। मैं भी नहीं लाई कल, पता ही नहीं चला कि नहीं आएगा, मुझे लगा शाम को आ जाएगा। तो डी के लिए बन रहा है यहाँ पे ओट्स और वो देख रही है टीवी। तो उसको ये ओट्स खिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा प्लेन जो ओट्स है ना वो दोनों ऐड कर रखा, क्योंकि मसाला ओट थोड़ा सा फिर मिर्ची वाला हो जाता है। और पूजा पाठ वगैरह होगी है और किचन में, तो इसके अपने देखो रात को पूरा घर साफ कर दिया था। बस अभी मंदिर वाले में थोड़ा सा पोछा अच्छा लगाया, फिर हो गया। अभी मेरा काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया क्योंकि मैं सुबह फिर उठी 7:30 हो गया था शायद उठने तक, रात को लेट से सोई थी। और अभी चलो इसको खिलाती हूँ, उसके बाद इसके हाथ मुँह धोती हूँ और नहलाऊंगी, नहीं कर नहला रखा है। फिर इसको लेके जाती हूँ वैक्सीनेशन के लिए। और फिर थोड़ा सामान भी लाना है जैसे कि पूजा के लिए गुड़ वगैरह लेके आना है। और चलो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम लोग जाने लगे हैं हॉस्पिटल। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? डॉक्टर पास। अभी आपको इंजेक्शन लगेगा डॉक्टर पास, ऐसे इंजेक्शन कैसे कर दिया बेबी? देखो मेरी बेटी कितनी स्ट्रांग है, इंजेक्शन लगने के बाद भी एकदम भाग भाग के जा रही है। और अब चलते हैं शॉप पे, सामान लेते हैं। तो गाइज अभी आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल से, दी का वैक्सीनेशन हो गया है। और बाकी सुबह मेरे पास गुड़ नहीं था ना, तो मैं गुड़ भी लेके आ गई हूँ क्योंकि संतोषी माता के व्रत में तो गुड़ जाना चाहिए था पूजा करने के लिए। तो फिलहाल कर रही हूँ मैं दूध गर्म और दूध लेके आई एक पैकेट, फिर तो आ ही जाएगा दूध, क्योंकि जो हमारा दूध है ना वो बहुत स्लो मोशन में आता है। कभी तो जल्दी आ जाता है, मतलब 12 बजे से पहले तो कभी नहीं आता है, कभी कभी शाम को 5 बजे आता है। तो कल आया नहीं था जिसकी वजह से सुबह चाय भी नहीं पी, तो वैसे चाय पीने का टाइम तो मेरा अभी हो रहा है। तो मैं पीऊँगी आज गुड़ की चाय, अब तो मैं गुड़ ले आई हूँ ना। और अभी अपने चने भूनूंगी व्रत के लिए और उनको फिर एक डब्बे में रख देती हूँ गुड़ और चने को, और फिर रात के सब्जी के लिए भी चने भिगाऊंगी। तो डी के लिए हमने कर दी है मखाने, रोस्ट कर दी है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी दो लो, थैंक यू बोलो, वेलकम। तो गाइस अभी मैंने बना लिया अपने लिए गुड़ की चाय, एक बार चीनी की पी थी क्योंकि उस टाइम पे भाभी आ गई थी, तो भाभी के साथ चीनी की पी, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता ना गुड़ की चाय जैसे हम लोग पीते हुए तो सबको नहीं पता, जैसे मेरे गढ़वाली के दोस्त ना उनको भी नहीं पता रहता था मेरा कप कहाँ चला गया, चलो मैं ग्लास में पी लेती हूँ। और डी को मैं खाने दे दी हूँ, उसने खा भी लिए हैं, मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। और अभी मैं थोड़ी बहुत सिलाई करूँगी और डी के लिए देखती हूँ पोहा बनाऊँगी अब दिन में, क्योंकि सुबह तो उसने तो बॉयल आलू खा लिए थे और ओट्स खा रहा था मसाला ओट्स। और ये रही मेरी चाय, आज बहुत टाइम बाद गुड़ लेके आई हूँ। और मैंने अपने लिए भी कुछ मखाने रोस्ट कर लिए हैं, तो ये ऐसे जस्ट नॉर्मली करके मैंने अपने लिए, डी के लिए तो घी में कर रखे थे अपने लिए बस। और यहाँ पे अपने लिए चने भी भिगा दिए हैं, लेकिन अभी प्रसाद के लिए नहीं भून रखे, वो भूनने हैं। तो ये रहे चने, तो अभी भूनूंगी प्रसाद के लिए। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं बाहर पे और थोड़ा सा अपने मौसम का आनंद लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मतलब डेली क्लास होती है ना, सैटरडे को भी होती है, संडे होता है, संडे में छुट्टी होती है, तो हम लोग बाहर अगले चले जाते हैं। तो हम लोग गुड़ की चाय से पीते हैं, कट्टा करके गुड़ खाते हैं, फिर चाय पीते हैं। और पूरी बालकनी फैला रखी है, उसको साफ करना है मुझे आज। दूसरी बात, कपड़े सारे धुल चुके हैं। अब मैं करती हूँ मम्मी को फ़ोन, कल भी बात नहीं रखी है। पापा का फ़ोन आया था कि मम्मी कहती सपना अच्छा नहीं देखा, उसको फ़ोन करो। माँ एक ऐसी चीज़ है ना
जिसका दिल मतलब हमेशा अपने बच्चों पे अटका रहता है ना। तो अपनी मम्मी को फोन कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और ये मखाने बहुत इनको रोस्ट करके और ना बहुत अच्छे होते हैं, एकदम कुरकुरे हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाना खाने। बात होने के बाद ये देखो बच्चों ने कितना खाना रखा यार, कितना काम बढ़ाते हैं ये लोग मेरे लिए ना। तो इधर भी इतना इसकी कवाई वगैरह खींच रखी है मैंने, अभी अगर डोर बंद कर दिया है क्योंकि दोनों साइड आने से मक्खी मच्छर सारे घर के अंदर घुस आते हैं और मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखो कितना फैला रखा है इन लोगों ने, ये देखो पूरी बालकनी इन लोगों ने ऐसे कर रखी है। अभी इनको पूरा रखती हूँ फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। ये बच्चे इतना तंग करते हैं ना, मेरा चाय का गिलास भी यहीं पे है और ये दोनों देख रहे हैं बेटी। ये टॉय ना इन लोगों ने कल रात फैलाए थे, मैंने मुझे पता था फिर सुबह आएंगे साथ में तो वैसे ही करेंगे, मुझे रात को इतना टाइम भी नहीं था, कर ला बहुत ज़्यादा थक गई थी काम वाम करने की वजह से, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर अभी इन लोगों ने खेला और अभी टीवी देखने लग गए थे तो फिर मैंने संभाल लिए। दो कार्टून है ना ऊपर छोटे छोटे और दोनों ही पूरे टॉय से भरे पड़े हैं, इतने सारे टैडी सब कुछ ले आते हैं कूड़ का भाड़ी है। उसके बाद बहुत दिनों से मैट नहीं उठाई थी तो इतनी सारी मिट्टी उड़ती वहाँ, यहाँ तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाती है तो बहुत मिट्टी हो रही थी और चींटियाँ भी हो रही थी, तो झाड़ दिया बहुत दिनों बाद झाड़ा। देखो कितनी सारी मिट्टी निकल रखी है, इतनी कल ना मेरी कारपेट के नीचे से निकली थी, अब मैं कारपेट धोऊंगी किसी दिन फुर्सत से। उसके बाद एक ये गमला लेके आई थी, सोचा था इसमें तुलसी लगाऊंगी लेकिन फिर तुलसी उसी में रहने दिया और इसको सोच रही हूँ रहने देती हूँ। और मिट्टी है पन्नी में, कभी कभी मिट्टी डालती हूँ इन गमलों में मैं। उसके बाद झाड़ू लगाया फिर पोछा लगाया और बहुत ज़्यादा गंदा रखा था सच में, तो थोड़ी साफ सफाई होगी तो मन को थोड़ी शांति मिल जाती है और व्रत के दिन तो और भी अच्छा लगता। बालकनी तो चमका दी मैंने अभी, ये बॉर्डर मैंने कब से रखी कि इसमें मैं कुछ लाइट वाला जो लड़ी आता वो डालूंगी करके, लेकिन तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आज का मौसम भी दिखा देती हूँ, ये देखो आज का मौसम और हल्की हल्की सी धूप, हल्का हल्का सा धुआं इस टाइप से हो रखा है, यहाँ पे रखा है। अभी इसको भी इनको बिछाऊंगी सबको, और मेरा कुछ सर दर्द होने लग गया है, बादल भी नहीं लग रखे लेकिन मौसम साफ भी नहीं हो रखा, समझ में ही नहीं आता मुझे यहाँ के मौसम का। ये धोए थे मैंने आज इतने सारे कपड़े, ऑलमोस्ट कपड़े मेरे तीसरे डेली होता है बट मैं तीन दिन में धोती हूँ, परसों धोए थे आज फिर से इतने सारे हो गए हैं और हो गया सर दर्द बहुत ज़्यादा। मेरा अक्सर फास्ट के दिन सर दर्द हो जाते हैं लेकिन आज मैंने फिर भी दो बार भी चाय भी पी है, खाली पेट नहीं हूँ। मखाने भी खाए क्योंकि केले लाई थी लेकिन पके नहीं है वो, केले खा लेती नहीं तो। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, डीपू भी सुनाऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा अपना सिलाई का काम करूँगी क्योंकि साथ ही साथ मेरा कुशन का काम भी चल रहा है और उसके साथ साथ ये देखो इनका टीवी साथ ही। चलो सही से करो आप, नीनू नीनू करो अब, चलो ये देखो दो दो बच्चे, हेलो करो, हाय अपनी, हेलो गाइज बोलो, ये कौन है आपकी फ्रेंड है, ये देखो ये घर जा रही है कल अपने तो अपनी दादा पास जा रही ना, और ये लोग भी कल घर जा रहे हैं अपनी लोग, और बगल में निकू लोग भी घर जा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले आया था। हम दोनों का ही राज फिदर, हम ही लोग अकेले, और फोन नहीं आया, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्या कर सकते हैं। लेकिन चलिए थोड़ी देर सोती हूँ, और एक पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी है, मैंने एक ऑनलाइन पार्सल मंगाया था जो आना था 17 तारीख को और वो अभी तक नहीं आया। देखो 16 को आया था लेकिन मैं नहीं थी घर पे, उसने फ़ोन किया था तो और वो लाए नहीं गए, बड़ी तो गुस्सा आने क्योंकि मुझे पार्सल इतना अर्जेंट चाहिए, मैं क्या बताऊँ क्या कर सकते हैं। और ये देखो मेरे नाखून और एक टूट भी गए लेकिन मैं इनको नहीं काटी, इतने गंदे नाखून है मेरे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे नाखून और मेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो 9th फ्लोर से मैट नीचे गिर गया है मेरा, बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, एक बार मैं नीचे ही दिखा नहीं दोबारा ऊपर की, फिर वहाँ खिड़की से दिखा के नीचे उस साइड के रख, बस के लिए लेने के लिए आई हूँ नीचे। अब इसको आ रही है नींद, ये सोएगी अब, तो नीनू करो, आई नीनू आई आइस क्लोज करो, मामा को दी करो, चलो अभी मैं नीचे गई ना भाभी की गोद में, इसको नींद आने लग गई थी, चलो आई आइस क्लोज 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 मेरा बेटू छोई छोई। हाँ तो गाइस नींद भी मेरी पूरी हो गई है, मैं वैसे तो कभी सोती नहीं हूँ व्रत के दिन, व्रत के दिन के आज का तो मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं बना रही हूँ नेक्स्ट ये वाला डिज़ाइन, कुशन बना रही हूँ इस डिज़ाइन में, ये है इसका फ्रंट साइड और इसका बैक साइड, और देखो बैक साइड के फूल भी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ जब मैं बाद में फिर बनाऊँगी ना कुशन अच्छे से, तो मैं एक बार फ्रंट साइड में अलग जो डिज़ाइन है भी रखूँगी। अच्छा मुझे कमेंट करके बताना किस किस को अलग डिज़ाइन आता है। तो ये मेरा पहला है, अभी मुझे कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं दूसरा स्टार्ट करूँगी, तो क्योंकि एक महीने में 4 डेमो हैं हमारे, तो मैं सोच रही हूँ 4 बहुत हैं, और फिर ना उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे कुशन
अराउंड एक राउंड वाला सिखाऊंगी और एक स्क्वायर वाला। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा काम है, उसमें उतना ज़्यादा काम नहीं, बस उसमें थोड़ा सा कॉटन बनने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर वो बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन इसमें जो है ना धागा, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन को बनाना है। तो करो, वेरी गुड, जोर से चलाओ। फिर क्या बनाए, क्या बनाए? अरे वाह, वेरी नाइस, गुड। एक में कंप्लीट कर लो पहले। तो यहाँ पे होगी शाम की पूजा स्टार्ट, और कथा आज मैं शाम को पढ़ रही हूँ क्योंकि गुड़ मैं लेट में लाई थी ना, तो सुबह गुड़ चना चाहिए होता है, फिर चने भी नहीं भून रखे थे तो फिर दिन में भूने, और अभी कथा पढ़ रही थी। कथा पढ़ते पढ़ते मेरी बेटी मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करती है ना, मैं क्या बताऊँ। तो घी का दिया जला दिया है क्योंकि शुक्रवार के दिन घी का दिया जलाते हैं, और कौन कौन ऐसे शुक्रवार का व्रत करता है मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ कथा, और मैं कथा जब भी पढ़ती हूँ पूरी बुक पढ़ती हूँ, उसके बाद यहाँ पे कथा कंप्लीट हो। गाइस मेरा डिनर बन गया है, और डिनर में मैंने बनाया है आलू चने की सब्जी। मैं हमेशा फ्राइडे को यही बनाती हूँ, मतलब मोस्टली जैसे लगता है वही बनाते होंगे। और मैंने बनाए हैं पराठे, क्योंकि थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के सूखी सूखी, वैसे भी घी लगाना पड़ता, मैंने सोचा पराठे बना लेती, ये भी खाती है। और यहाँ पे मैंने रख दिया है गाय के लिए भी, तो ये रखा है गाय के लिए, लेकिन अगर गाय नहीं है तो इसको डॉगी को दूंगी। और ये पराठे भी 5 बन गए, ज़्यादा हो गए हैं। ये है सब्जी, क्या हुआ, क्या हुआ, इसका अलग ही चलते रहता है। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज अभी हो गया है खाना पीना, सब हो गया है। चेंज वगैरह करने के बाद मैं बैठ गई हूँ बालकनी में। तो नीचे जाने का मन था कि थोड़ा सा राउंड लगा के आऊँ, लेकिन फिर इसको पार्क जाना होता है तो इसलिए नहीं जा रही हूँ, तो यहीं पर बैठ गई थोड़ी देर। और गंदा भी लग रहा था, और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद ना व्रत के दिन थोड़ा पेट ज़्यादा भर जाता है, और फिर नींद से आने लग जाती है। 4:30 बजे तो हम दोनों उठे थे, फिर से नींद आ रही है मुझे। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, और जो कपड़े धुल रखे उनको भी फोल्ड कर लेती हूँ, और बस फिर थोड़ी देर में सोने का टाइम हो जाएगा। वैसे हमने खाना खा लिया था 8 बजे, अभी 8:30 हो गया, आधा घंटा हो गया है, तो बर्तन वर्तन भी धुल चुके हैं। और बस आजकल हमारी ब्लॉगिंग ऐसी चलती रहती है। तो आज मेरा सच में शुक्रवार के व्रत में इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, सर दर्द बहुत हो गया। जैसे करवा चौथ में हुआ था ना सर दर्द, वैसे वाला वाला दर्द हो गया मेरे सरमाज भी। फिर सोई, उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिला, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन आज दवाई नहीं खाऊंगी क्योंकि इसके लिए ने दवाई खाने के लिए मना कर रखा है। तो चलिए हम भी अपने ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।